सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो पर। सो दोस्तों, काफ़ी सारे भाई लोग का मेरे इंस्टाग्राम पे भर भर के मैसेज आ रहा था कि हम ओजा का डीजे सेटअप लेना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा ओजा में सेटअप लेना चाहते हैं जो कि उसका साउंड काफ़ी दूर तक, यानी 3 से 5 किलोमीटर दूर तक सुनने को मिले। तो कहीं सर, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी का ओजा का 412 का टॉप और गई सर ओजा का 2000 वाट का डुअल बेस के बारे में लीड जानकारी आप लोगों को मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही गई सर, अगर आप लोग इस टाइप के सेटअप बनाते हैं ओजा का, तो कितना आप लोगों का कॉस्टली प्राइस लगेगा, और गई सर ओजा का जो ये 412 का टॉप है, इस टाइप के दो टॉप को चलाने के लिए किस तरह का एम्पलीफायर लेना चाहिए, और गई सर ओजा का जो 2000 वाट का डुअल बेस है उसको चलाने के लिए किस तरह का एम्पलीफायर लेना चाहिए, कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो गई सर, जो भी भाई लोग एक नया नया सेटअप बनाना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके मन में कन्फ्यूजन है कि हम किस तरह का ओजा का सेटअप ले, तो गई सर ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। गाइस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे साथ ही फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर आईडी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गई सर, ओजा का इस टाइप का सेटअप को बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे ओजा के 412 टॉप के ऊपर। तो गई सर, ये है ओजा का पीए स्पीकर सिस्टम, जिसका मॉडल नंबर SQX850 देखने को मिल जाएगा, जो कि गई सर इस वाले टॉप का पावर रेटिंग 800 वाटेज है, और गई सर इसका प्रोग्रामिंग पावर 1600 वाटेज देखने को मिल जाएगा। गई सर, इस वाले टॉप का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आप लोगों को 50 से 16000 हर्ट्ज तक देखने को मिल जाएगा। साथ ही गई सर इसका SPL आप लोगों को 103 dB देखने को मिल जाएगा। इसका इम्पिडेंस आप लोगों को 4 ओम देखने को मिल जाएगा, और गई सर यहाँ पर ओजा ने इसके अंदर 12 इंची के 4 स्पीकर का यूज किया है, जो कि चारों ही स्पीकर फुल रेंज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गई सर, जो भी फुल रेंज वाला स्पीकर होता है उसके अंदर से मिड और हाई फ्रिक्वेंसी काफ़ी दूर तक सुनने को मिलते हैं, और इस टाइप के स्पीकर से हमें 5 किलोमीटर दूर तक का आवाज़ इजीली सुनने को मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गई सर, जो भी वही लोग एक चाहते हैं ऐसा सेटअप बनाना जो कि 3 से 5 किलोमीटर दूर तक उस वाले टॉप का आवाज़ हमें सुनने को मिले, तो गई सर ये वाला ओजा का काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का टॉप है, जो कि एक ही टॉप के अंदर आप लोगों को 4 स्पीकर ओजा का देखने को मिल जाएगा, जो कि फुल रेंज वाला ये स्पीकर होते हैं। बात करेंगे इस वाले टॉप के नेटवेट के बारे में, तो इसका नेटवेट आप लोगों को 55 kg अप्रोक्स देखने को मिल जाएगा। यहीं पर गई सर अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजिली 2200 से 2400 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग ओजा का ये 4 स्पीकर वाला टॉप ले पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो गई सर, इस टाइप के हम दो टॉप लेंगे जो कि इजीली पिकअप पे भी लोडिंग हो जाएगा, या गई सर आप लोग कहीं रख के भी बजाना चाहते हैं किसी मॉल वगैरह में, तो इजीली ये सेटअप काफ़ी ज़्यादा धासु बजेगा और काफ़ी आप लोगों को परफेक्टली साउंड क्वालिटी सुनने को मिलेगा। अब गई सर यहाँ पर हम बात करेंगे कि हाई मिड फ्रिक्वेंसी वाला, तो हम यहाँ पर टॉप ले लिए। अब यहाँ पर हमें एक अच्छा क्वालिटी का और ज़्यादा वाइब्रेशन देने वाला हम ओजा के साइड से ही बेस लेने वाले हैं। तो गई सर यहाँ पर हम ओजा का पीए सबवूफर सिस्टम लेंगे, जिसका मॉडल नंबर SWX2100 देखने को मिल जाएगा, जो कि गई सर ओजा का ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डुअल बेस है, जो कि अभी तक का ये ओजा का काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग ये वाला मॉडल है। बात करेंगे इसके पावर आउटपुट के बारे में, तो इसका पावर आउटपुट 2000 वाटेज देखने को मिल जाएगा, और 4000 वाटेज प्रोग्रामिंग पर है, जो कि गई सर यहाँ पर ओजा का 1000 वाटेज का 2 स्पीकर इसके अंदर डाला गया है, जो कि गई सर ओजा का 18 इंची का दोनों ही स्पीकर है, जिसका वॉइस कॉइल का साइज आप लोगों को 5 इंची इनसाइड और आउटसाइड कॉपर वाइंडिंग में देखने को मिल जाएगा। तो गई सर इस डुअल बेस के अंदर 2 स्पीकर है, जो कि दोनों ही स्पीकर का वॉइस कॉइल का साइज 5 इंची में, तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट और काफ़ी ज़्यादा पंचेबल आप लोगों को साउंड क्वालिटी सुनने को मिलेगा। साथ ही गई सर इस वाले बेस का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 36 से 200 हर्ट्ज है, और गई सर इसका SPL 102 dB है, तो काफ़ी दूर तक आप लोगों को साउंड सुनने को मिलेगा। साथ ही गई सर का इम्पिडेंस 4 ओम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पैरेलल कनेक्शन होते हैं। बात करेंगे इस डुअल बेस के नेटवेट के बारे में, तो इसका नेटवेट आप लोगों को 99 kg देखने को मिल जाएगा। तो गई आप लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हेवी वजन का हो जाता है, बट गई सर यह ओजा का 2000 वाट का डुअल बेस है, तो गई सर इस टाइप के हम इस सेटअप में 2 डुअल बेस का यूज़ करने वाले हैं, यानी 4 यहाँ पर बेस मेरा बजेगा, 4 बेस स्पीकर बजेगा, तो काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छे क्वालिटी के पंच वाइब्रेशन मिलेंगे।
बढ़ गई सर। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऊर्जा का ये वाला मॉडल यानी एक डुअल बेस का प्राइस हमें कितना पड़ेगा। तो गई सर इजीली आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली प्राइस 45,000 से 47,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि गई सर आप लोग इतने प्राइस रेंज में आप लोग ऊर्जा का ये वाला डुअल बेस बाई कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो गई सर इस टाइप के हम दो डुअल बेस इसमें यूज करने वाले हैं। चलिए गई सर हम बात कर लेते हैं कि इस टाइप के टॉप को और इस टाइप के डुअल बेस को चलाने के लिए हमें किस तरह का एम्पलीफायर लेना चाहिए। तो गई सर जिस टाइप के मेरा फुल रेंज वाला टॉप है उसको चलाने के लिए हम यहाँ पर मोनो एम्पलीफायर का यूज करेंगे, जो कि ऊर्जा का मोनो एम्पलीफायर काफी अच्छे क्वालिटी के साउंड निकाल कर दे देता है। तो गई सर यहाँ पर हम ऊर्जा के साइड से ऊर्जा का हाई वोल्टेज का पीए पावर एम्पलीफायर यूज करेंगे, जिसका मॉडल नंबर SPA 15000 देखने को मिल जाएगा, जो कि गई सर ऊर्जा का ये SPA 15000 मॉडल से भी जाना जाता है। काफी सारे भाई लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यह ऊर्जा का 15000 वाटेज का एम्पलीफायर है। जी नहीं गई सर, ये ऊर्जा का केवल 1500 वाटेज का एम्पलीफायर है, लेकिन आप लोगों को 15000 मॉडल में देखने को मिल जाएगा, जो कि गई सर इसका पूरा पावर आप लोगों को 1500 वाटेज देखने को मिल जाएगा और इसका मैक्सिमम पावर 2000 वाटेज तक का देखने को मिल जाएगा। यानी ऊर्जा का कहने का मतलब है कि आप लोगों का 1500 वाटेज का एम्पलीफायर है, लेकिन अगर आप लोग इस पे 2000 वाटेज तक का भी लोड डालेंगे तो कोई इसके अंदर दिक्कत होने वाला नहीं है। साथ ही गई सर इस वाले एम्पलीफायर का स्पीकर आउटपुट में 2 ओम और 4 ओम का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप लोग इजीली इस पे स्पीकर कनेक्शन कर सकते हैं। तो 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का भी हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप लोग इस पे 60 से 70 हॉर्न इजीली चला लेंगे, कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। इस वाले एम्पलीफायर का नेट वेट आप लोगों को 46 kg देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस आप लोगों को मार्केट में इजीली 45,000 से 48,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो गई सर यह ऊर्जा का मोनो एम्पलीफायर थोड़ा आप लोगों को कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, लेकिन गई सर आप लोगों को यह जो एम्पलीफायर होता है लॉन्ग टाइम तक टिका हुआ होता है और इसका जो क्वालिटी होता है डुअल चैनल के एम्पलीफायर से काफी ज्यादा बेहतरीन होता है और इसका जो आवाज होता है वो भी काफी ज्यादा बेस्ट होता है। तो गई सर इस टाइप के टॉप के लिए यह एम्पलीफायर काफी ज्यादा परफेक्ट है, जो कि काफी दूर तक आप लोगों को साउंड और मधुर आवाज ये वाला एम्पलीफायर निकाल कर दे देगा। अब गई सर यहाँ पर हम बात करेंगे कि बेस को चलाने के लिए हम ऊर्जा का किस तरह का एम्पलीफायर यूज करने वाले हैं। तो गई सर बेस को चलाने के लिए हम यहाँ पर ऊर्जा का डुअल चैनल का पावर एम्पलीफायर यूज करेंगे, जिसका मॉडल नंबर LX6000 देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका पावर आउटपुट 8 ओम पे दोनों चैनल पे 1300 वाटेज देखने को मिल जाएगा और 4 ओम पे दोनों चैनल पे 2000 वाटेज देखने को मिल जाएगा और गई सर 2 ओम पे 3000 वाटेज दोनों चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इस वाला एम्पलीफायर का डंपिंग फिटर 400 है, जो कि इस टाइप के बेस चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इसका नेट वेट आप लोगों को 39 kg देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस आप लोगों को मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 55,000 से 56,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो गई सर यहाँ पर हमें 4 ओम पर ही चलाना है, जो कि एम्पलीफायर 4 ओम पे 2000 वाटेज दे रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। अब गई सर यहीं पर हम बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन के बारे में। तो गई सर सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपर कनेक्शन के ऊपर। तो गई सर यहाँ पर जो मेरा 4/12 का टॉपर है ऊर्जा का, ये 800 वाटेज का है और गई सर इसका इम्पीडेंस हमें 4 ओम देखने को मिल रहा है। तो गई सर इस टाइप के दोनों ही टॉप को हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, यानी ++1 में और --1 में, तो इजीली ये 4 ओम्स हो जाएगा 2 ओम और इसका जो वाटेज हो जाएगा 1600 वाटेज हो जाएगा। तो गई सर इस टाइप के टॉप को चलाने के लिए हम ऊर्जा का SPA 15000 मॉडल का यूज कर रहे हैं एम्पलीफायर। तो इजीली एम्पलीफायर 1500 वाटेज का है, लेकिन कंपनी बोलती है कि आप लोग इस पे 2000 वाटेज तक का भी लोड डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इजीली गई सर आप लोगों को क्या करना है, दोनों ही टॉप का जो प्लस वायर है उसको आप लोगों को लगा देना है यहाँ पर 2 ओम पे, और गई सर दोनों ही टॉप का जो माइनस वायर है यानी ब्लैक वायर है उसको आप लोगों को एम्पलीफायर के बैक पैनल पे जाएगा तो वहाँ पे कॉम का ऑप्शन मिलता है, उसी पे लगा देना है। तो इस तरह से आप लोग कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब गई सर यहाँ पर हम बात करेंगे कि बेस का कनेक्शन कैसे करेंगे। तो गई सर यहाँ पर जो मेरा एम्पलीफायर हो रहा है 6000 वाटेज कर रहा है, जो कि 4 ओम पे एक एक चैनल पे 2000 वाटेज दे रहा है। यहाँ पर जो मेरा बेस हो रहा है 4 ओम पे 2000 वाटेज इसको चाहिए, जो कि 2000 वाटेज का बेस है। तो काफ़ी ज़्यादा इसका सिंपल सा कनेक्शन है कि एक चैनल पे एक डुअल बेस को लगा देना है और दूसरे चैनल पे एक डुअल बेस को लगा देना है। जो लो कट का ऑप्शन होता है उससे आप लोगों को लो पास फिल्टर को ऑन कर देना है, 120 हर्ट्ज पे कर दीजिएगा, तो दोनों चैनल से काफ़ी अच्छे क्वालिटी का आप लोगों को पंच वाइब्रेशन सुनने को मिल जाएगा। तो गई सर इस तरह से आप लोग इस वाला एम्पलीफायर पे कनेक्शन कर सकते हैं। अब गई सर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इस टाइप के सेटअप को ऑडियो मिक्स करने के लिए हमें किस तरह का मिक्सर लेना चाहिए। तो गई सर दो टाइप के आप लोग मिक्सर ले सकते हैं। अगर आप लोगों को केवल डीजे चलाना है तो डीजे मिक्सर ले सकते हैं। अगर गई सर आप लोगों को डीजे और लाइव दोनों चलाना है यानी सिंगिंग भी प्रोग्राम करना है तो आप लोग 9 चैनल या 12 चैनल का मिक्सर ले सकते हैं, जो कि ऊर्जा का PMX करके मॉडल आता है, जो कि 10 चैनल का मिक्सर है। या कि सर डीजे में लेना चाहते हैं तो आप लोग ऊर्जा का ADJ 300 मिक्सर ले सकते हैं, जो कि दोनों ही मिक्सर
मिक्सर का प्राइस 10,000 से 16,000 के बीच में पड़ जाएगा, जो कि इजीली आप लोग ले पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी गई सर ये सेटअप कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। गई सर जो भी भाई लोग चाहते हैं ऊर्जा का एक ऐसा ही सेटअप बनाना जो कि 3 से 5 किलोमीटर दूर तक साउंड जाए, तो गई सर ये सेटअप ऊर्जा का काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, ईजिली आप लोग ले पाएंगे और इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कम पड़ेगा, जो कि ईजिली आप लोग प्राइस इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। गाइस अगर आप लोग के मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कि सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर आईडी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।